रेवाड़ी की कोसली अनाज मंडी में हुई किसानों की महापंचायत। किसान बोले, दक्षिण हरियाणा में नेताओं की नो एंट्री। किसानों ने कहा, एमएसपी न थी, न है और न ही रहेगी, यह जुमलों की सरकार। ये झूठी सरकार से 15 लाख की झूठ बोली, 2 करोड़ की झूठ बोली, इसी तरह ये झूठ बोलती है। एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी। और जो बड़े जैसे मंत्री संतरे लुके जाते हैं ना, इससे आगे रेवाड़ी में घुसेंगे तो 100 समझ के घुसेंगे। मैं यही हड़पने के लिए, एमएसपी से नीचे किसान का शोषण करने के लिए और उनके गोदाम भरने के लिए इस प्रकार के काले कानून से इस देश को बचाना है तो इस देश के किसान को खड़ा करना पड़ेगा। और देश का किसान यदि इस लड़ाई को जीतेगा तो ही देश बचेगा, अन्यथा इन्होंने पूंजीपति के हवाले इस देश को कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। उत्तर पश्चिम के बाद अब दक्षिण हरियाणा में भी किसान आंदोलन तूल पकड़ने लगा है। कोसली की अनाज मंडी में आज 8वीं किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पिछले 10 महीने से देश का किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान एक नहीं कई बार रेल मार्ग, सड़क मार्ग व भारत बंद जैसे हालातों का सामना देश की जनता कर चुकी है, लेकिन किसान और सरकार के बीच अभी तक कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ पाई है, जिसकी वजह से आज उत्तर दक्षिण के बाद दक्षिण हरियाणा में भी आंदोलन गति पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि न एमएसपी थी, न है और न ही रहेगी, यह सरकार जुमलोबाजों की सरकार है जो किसान को कमजोर समझने की भूल कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की इस पंचायत के बाद दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी, कोसली, बावल, नारनौल, अटेली, नांगल, चौधरी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में किसान अब आंदोलन की ओर अपना रुख करेगा। उन्होंने कहा, किसानों की मांगों को सरकार को मानना ही पड़ेगा। इस आंदोलन में किसान जीतेगा तभी देश प्रगति करेगा। आज की किसान पंचायत में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया और एक सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए जान की बाजी लगाएगा। आज सरकार एमएसपी का ढोंग कर रही है और बाजरा खरीद नहीं रही है, धान खरीद नहीं रही है, एमएसपी फिर कहां रह गया है? इसलिए किसान एमएसपी की लिखित मांग कर रहा है, लेकिन सरकार किसान को गुमराह कर रही है। किसान पंचायत में पहुंचे किसानों ने आज फैसला लिया कि दक्षिण हरियाणा में नेताओं की एंट्री पर अब बैन कर दिया जाएगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने कुलदीप सिंह, किसान नेता समय सिंह, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राम किशन महलावत, किसान नेता से बात की। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी संवाददाता राजेश शर्मा के पास। संयुक्त मोर्चे की 8वीं पंचायत है, 8वीं पंचायत में ये कोसली की अनाज मंडी में इसलिए करी गई है ताकि यहाँ की जनता देखे कि यहाँ कोसली मंडी में ना कोई खरीदार है, ना ही कोई बाजरे की खरीद हो रही है। जो सरकार एमएसपी बनाती है अपने ही जवान से उस एमएसपी को खत्म करने पर बोली हुई है। अब किसान जाग गया है दक्षिण हरियाणा का, अब सरकार ने सोच लेना चाहिए, या तो एमएसपी बनाओ मत, बनाओ तो इसको पूरे से लागू करो, हर फसल दक्षिणी हरियाणा की एमएसपी पर बिकनी चाहिए। यहाँ के विधायक तो आप लोगों ने देख लिया है कितने कमजोर है, जाके मुख्यमंत्री के आगे गिर गिराते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि कब तक चलेगा। जिन्होंने बड़ी ताकत से, बड़े बड़े लोगों ने इतने भारी बहुमत से जिताए, उनका अगर ये हालत हो गई तो दक्षिणी हरियाणा कैसे बचेगा इन कमजोर लोकल बीजेपी के नेता जो मुख्यमंत्री के पास हाथ जोड़ के गए थे। हम भावनांतर दे जो उन्होंने ये क्यों ना कही, एमएसपी दो, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कहां गई? इनको शर्म आनी चाहिए, ये गांव में जाके क्या कहेंगे, इनके पास क्या जवाब होगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अब जो ये नेता गए थे ये घी में आग में घी डालने का काम किया। दक्षिण हरियाणा खासकर अहिवाल, इन्होंने इतना कमजोर समझ रखा है, अब सबकी मार दक्षिण हरियाणा करते हैं। पहली साइड दीदी का बाजरा नहीं बिकी, 24 घंटे में इतवार ने बोली लगा दी, यहाँ बाजरा नहीं बिक रहा जो कि हमारी मुख्य फसल से, और इससे लोगों को हम सब डाते थे। अब ये झूठी सरकार से 15 लाख की झूठ बोली, 2 करोड़ की झूठ बोली, इसी तरह ये झूठ बोलती है। एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी, ये जुमलोबाजों की सरकार है। और अब अहिवाल की जनता जाग चुकी है, सब मोर्चा रेवाड़ी का इतना मजबूत हो गया से आने वाले दिनों के माए इनकी औकात बता देगा। और जो परली साइड जैसे मंत्री संतरे लुके जाते हैं ना, इससे आगे रेवाड़ी में घुसेंगे तो 100 समझ के घुसेंगे। हरियाणा के अंतिम छोर कोसली में ये सभा है किसानों की, और किसानों की इस पंचायत से साबित होता है कि किसान आंदोलन केवल उत्तरी और पश्चिम हरियाणा में नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा में पैर जमा चुके हैं।
और पूर्ण रूप से देश का किसान आंदोलन हटने के पैर जमा चुका है, पूर्ण रूप से देश का किसान जाग खड़ा हुआ है और आज सरकार की वास्तविकता लोगों के सामने आ रही है। अभी लागू हुए भी नहीं है कानून, उससे पहले आप देख रहे हो मंडी में किस तरह सन्नाटा छाया हुआ है और यहाँ का किसान बेचारा एमएसपी के लिए बैठा है। जो ये कहते थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, इसे जाहिर होता है कि एमएसपी को हड़पने के लिए, एमएसपी से नीचे किसान का शोषण करने के लिए और उनके गोदाम भरने के लिए इस प्रकार के काले कानून लाए गए और किसान इनकी वास्तविकता को को समझ गया है, इसलिए पूरा दक्षिण हरियाणा आज उठ खड़ा हुआ है और ये इस आंदोलन के जो ना मजबूती प्रदान करेगा, निश्चित रूप से जो ना हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। तो आंदोलन कब तक चलता रहेगा यहाँ की बात करें दक्षिणी हरियाणा की? देखिए आंदोलन की तो शुरुआत है दक्षिण हरियाणा में, तो ठीक मायने में तो अब जोर पकड़ने लगा दक्षिण हरियाणा में, और आंदोलन का अंत कब होगा ये तो सरकार पे निर्भर है कि सरकार कब मानेगी, 2022 में मानेगी, 24 मानेगी, कब मानेगी। लेकिन पूर्ण रूप से इस देश को बचाना है तो इस देश के किसान को खड़ा करना पड़ेगा और देश का किसान यदि इस लड़ाई को जीतेगा तो ही देश बचेगा, अन्यथा इन्होंने पूंजीपति के हवाले इस देश को कर दिया है, ये देश बचने वाला नहीं है। या तो ये बचेंगे या ये देश बचेगा। इस देश को बचाना है तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन को मजबूती देनी पड़ेगी और उस फर्ज को निभाते हुए दक्षिण हरियाणा के लोग उसमें शामिल हुए हैं और आज आप देख रहे हो कि दक्षिण हरियाणा में अच्छी भारी संख्या है। खट्टर साहब के बयान, आप पहले भी एसडीएम ने जो बयान दिए वो भी खट्टर साहब के बयान थे और इनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में उनकी रहनुमाई में जो देश के गृह राज्य मंत्री ने बयान दिए हैं वो पूर्ण रूप से इस देश को भयभीत करने वाले और इस देश में अराजकता फैलाने वाले है। लेकिन ये किसान इनकी कुटिलता को समझता है, किसान ना इनसे डरने वाला है और पूर्ण रूप से इनके सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं कि किस तरह ये देश को रौंदना चाहते हैं। लेकिन देश में एक ताकत खड़ी हो रही है और इस किसान आंदोलन को किसान के साथ साथ तमाम वर्गों के साथी सहयोग कर रहे हैं। क्यों? वो समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन जीतेगा तो ही ये देश बचेगा, इसलिए इनसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो एक इस प्रकार समाज को तोड़ने वाले, जो अराजक फैलाने वाले और जो ऐसे देशद्रोही किस्म के बयान देते हैं, इनसे ज्यादा इन देशद्रोहियों से ज्यादा उम्मीद भी क्या की जाए। संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तान का आंदोलन है, इसलिए जो दक्षिण हरियाणा है महेंद्रगढ़ कोर्ट से आज ये नई शुरुआत यहाँ से होगी, आने वाले टाइम इसका बहुत बढ़िया असर मिलेगा। सरकार को कानून वापस करने पड़ेंगे, एमएसपी गारंटी देनी पड़ेगी, जिनके साथ किसान की लड़ाई होगी और किसान का सरकार मजबूर होगा।